हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मेरी ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से चली थी और उसने नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को बिना रुके पार किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आप लोग को वो वीडियो पसंद भी आया होगा। मैं था ऑन बोर्ड ट्रेन नंबर 12214 दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस में। दोस्तों, मेरी आगे की यात्रा में ट्रेन मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर बिना रुके झांसी जाकर के रुकी। हालांकि झांसी जब ट्रेन पहुंची थी तब तक तो मैं सो चुका था, पर जब मेरी नींद खुली तो कुछ ही समय में भोपाल रेलवे स्टेशन आने वाला था। मैं अच्छे मौसम का आनंद ले ही रहा था, तभी मैंने इंटरनेट में चेक किया तो पता चला कि कुछ ही समय में खजुराहो महामना मुझे क्रॉस होने वाली है, तो मेरा कैमरा उस समय तैयार हो गया। कुछ ही पल के इंतजार के बाद सुंदर सुंदर नज़ारों से दुरंतो गुजर रही थी और आई भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस। हम धीरे धीरे भोपाल जंक्शन की ओर बढ़ने लगे। भोपाल जंक्शन के आउटर में जाकर के ट्रेन फिर से रुक गई। तभी मैंने दूर से देखा कि एक ट्रेन आ रही है। हो सकता है उस ट्रेन के क्रॉस होने के बाद ही हमारी ट्रेन को बढ़ाया जाए। ट्रेन में WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ था और ट्रेन मेरे आगे से ही एक्सेलरेट करते हुए मुझे पार हो गई। ट्रेन के जाने के कुछ ही समय बाद हमें भी सिग्नल मिल गया। मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पे हम तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे जो नई दिल्ली से चेन्नई के बीच चलती है, तो मेरी आँखें भोपाल जंक्शन में उसी को ढूंढ रही थी कि शायद किसी न किसी प्लेटफॉर्म में तमिलनाडु एक्सप्रेस खड़ी हो। और दुरंतो का भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज तो है नहीं, तो हो सकता है मुझे वहीं पर उसका ओवरटेक मिल जाए। दुरंतो को भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकाला जाने लगा। और दूसरी तरफ थी मेरे एक गुड्स ट्रेन। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि दुरंतो इतनी अच्छी गाड़ी है, इसका भोपाल जंक्शन में भी स्टॉपेज नहीं दिया गया है। हालांकि इसका स्टॉपेज हबीबगंज जंक्शन में है, पर फिर भी भोपाल जंक्शन तो एक काफ़ी पुराना स्टेशन और एक बड़ा स्टेशन माना जाता है। और भी कई ट्रेनें हैं जो भोपाल जंक्शन में नहीं रुकती हैं, तो अगर आप लोग को उन ट्रेनों के नाम या नंबर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हम लोग भोपाल जंक्शन को धीरे धीरे पार कर रहे थे, वो भी बिना रुके। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पार कर गई, मैं ट्रेन के राइट हैंड साइड में आ गया और मेरे आते ही मुझे मिली तिरुपति हज़रत निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। संपर्क क्रांति को भी हमने कुछ ही समय में क्रॉस कर लिया और ट्रेन फाइनली हबीबगंज जंक्शन पहुंच गई। तब तक तमिलनाडु तो काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोग को पता लगेगा कि दुरंतो ने तमिलनाडु को इटारसी के पहले ओवरटेक किया या इटारसी जंक्शन के बाद ओवरटेक किया, और भोपाल से लेकर इटारसी के बीच में
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बुधनी घाट की जर्नी आप लोग को दिखाऊं, तो ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम आने वाले वीडियोस में ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।